ये सारा सारे ऑक्शन वाले कंटेनर है, देखो ये जितने इस एरिया के कंटेनर दिख रहे हैं आपको, ये सारे ऑप्शन वाले हैं। आपको खर्चा भी कम पड़ता है, रेट भी कम पड़ता है, आपको पूरा कंटेनर भी बुक नहीं करना पड़ता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और सभी देख रहे हैं मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, सोर्सिंग के बारे में, प्लानिंग के बारे में। तो आज मैं आया हूँ अपने कंटेनर डिपो में जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं काम कहाँ करता हूँ और यहाँ पर काम होता किस तरीके से है। तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, ये सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं, ये होता है कंटेनर डिपो। दोस्तों मैं आया हूँ यहाँ पे ऑक्शन एरिया में, ये पूरा का पूरा ऑक्शन एरिया है, ये सारा सारे ऑक्शन वाले कंटेनर है, देखो ये जितने इस एरिया के कंटेनर दिख रहे हैं आपको, ये सारे ऑक्शन वाले हैं। इस साइड ये 20 फीट वाले कंटेनर हैं, इस साइड का ये देखो लंबा वाला जो है ये 40 फीट का कंटेनर है। अभी पीछे मेरे को लोग ये भी पूछते हैं कि यार 20 फीट और 40 फीट में क्या फ़र्क होता है, ये देखो 20 फीट वाला कितना लंबा है, एरिया का फ़र्क होता है। अब वेट तो ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही आता है, 20 में आता है आपका 28 टन के करीब और 40 में आता है आपका 32 टन के करीब, बट जो एरिया होता है एरिया इसका ज़्यादा होता है, अंदर का जो एरिया आप माल इसके अंदर भर सकते हो वो होता है अराउंड 64 CBM और 20 का देखिए 20 का एरिया कितना छोटा है, 20 का होता है आपका 32 CBM के करीब। तो ये है आपका दोनों में मेन फ़र्क, बाकी वेट कैरिंग कैपेसिटी दोनों की सेम ही होती है। ये सारे 20 हैं, देखो कितने ये है, इतने से होते हैं 20, और ये 40 वाला आपको दिख रहा होगा कितना लंबा है, ये CMA CGM वाला भी 40 है, उसके नीचे वाला भी 40 है। इसके अंदर का जो एरिया होता है 64 CBM, ये खुला हुआ है, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ एक मिनट। ये सारे ऑक्शन वाले हैं, इसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही है, ये देखो ये सारा ये एरिया होता आपको दिख नहीं रहा होगा ढंग से, ये देखो आप सरफेस देखो, ये सारा जो है 5-5, 6-6 साल पुराने कंटेनर हैं ये सारे ऑक्शन के। मैं भी आज ऑक्शन का काम कराने आया हूँ, मेरे पास 13 कंटेनर हैं ऑक्शन के लिए आज। तो ये है आपका मेन 20 और 40 का डिफरेंस। और LCL का होता है कि LCL में ये जो 20 कंटेनर आप देख रहे हो ना, ये एरिया ज़्यादा होता है, इस वजह से इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का माल एक साथ आता है 40 के अंदर। तो 40 के अंदर क्या होता है कि एक ही कंटेनर में बहुत सारी पार्टियों का माल आता है, और फिर मैं वेयरहाउस दिखाऊंगा, उस वेयरहाउस के अंदर जाके सारा सॉर्टिंग हो जाता है। और ये वो कंटेनर है जिसमें से मेरे को सारा माल निकालना है, सैंपल निकालना है, ये सारे ऑक्शन के कंटेनर हैं, आपको दिख रहे होंगे ये सारे ऑक्शन वाले कंटेनर हैं। भाई साहब बाहर तो बारिश शुरू होगी, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को वेयरहाउस का दिखा दूँ जहाँ LCL अनलोड होता है। तो मेरे से भी पीछे लोग पूछते हैं कि भाई कितने तरह के कंटेनर होते हैं, तो मैं उनको बोल रहा है कि SCL LCL और FCL होता है, FCL में दो तरह का होता है, एक होता है आपका 20, एक होता है 40, और LCL का ये हिसाब किताब है। LCL में सारा लोड होके यहाँ आता है, जैसे एक कंटेनर में भोजनों का माल होता है उसमें से सारा अनलोड होके आपका इधर आ जाता है LCL में। देखो यहाँ पर लोकेशन दिख रही होगी आपको, दिखाता हूँ जैसे ये लोकेशन है ना, इस तरीके से होता है LCL। LCL में आपका माल आपका, अगर आप सपोज़ एक कंटेनर में बहुत सारे लोगों का माल बुक होता है, आपने थोड़ी सी जगह ले ली कंटेनर में और माल बुक कर दिया, आपका कंटेनर आएगा पोर्ट पे, अंदर में से माल की सॉर्टिंग होगी और आपका माल ऐसा अलग रख जाएगा। जैसे कि ये लोकेशन होता है, मैं लोकेशन दिखाता हूँ आपको, देखिए ये 6 का 10 हो गया, 6 का C 6 से लेकर 10 तक सारे माल यहाँ पे हैं। तो ये पूरा मेंटेन होता है यहाँ पे, रजिस्टर में मेंटेन करके रखते हैं। देखिए जैसे कि ये एक लोकेशन है, इस लोकेशन पे ये वाला माल भी पड़ा हुआ है, आपको अलग दिख जाएगा, देखिए वाइट वाले बोरे सारे अलग पड़े हुए हैं और ये वाले अलग पड़े हुए हैं, ये किसी का माल है निप्पो का है और ये वाइट वाले। तो ऐसे करके शॉर्टिंग होकर अलग से रख दिया जाता है आपका माल, LCL में आपको सस्ता पड़ता है। एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे बंदों का माल होता है, तो एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे बंदों का माल होता है, तो इस वजह से आपको खर्चा भी कम पड़ता है, फ्रेट भी कम पड़ता है, आपको पूरा कंटेनर भी बुक नहीं करना पड़ता। आप अपना शुरू में स्टार्टिंग में इंपोर्ट कर रहे हो तो LCL बुक करो, LCL लेके आओ, ऐसे वेयरहाउस में आ जाएगा आपका सारा माल, फिर अपना कस्टम क्लियरेंस कराओ ले जाओ। FCL में क्या होता है, FCL में आपको पूरा बुक करना पड़ता है,